अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे और काफ़ी बड़ा मामला हो गया था, पुलिस तक भी बात पहुंच गई थी, कहीं उनको डराने के लिए तो आपने ये रोल वगैरह नहीं लिया है? नहीं, फिल्म तो खैर मैंने उससे पहले बन चुकी थी फिल्म, तो थोड़ा सा कुछ रह गया होगा तो पता नहीं। लेकिन अब हालात कैसे हैं वहाँ पर? अभी बहुत अच्छे हालात हैं, सब सारा जो है वो कोर्ट में चल रहा है बाकायदा और बहुत सप्रेम चल रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विकी। विकी, कैन यू टेल अस हाउ डू यू चूज योर रोल्स, और आर द रोल्स चूजिंग यू राइट नाउ? अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं सबका ऑडिशन दिया, तो मैंने किसी को चूज़ नहीं किया है, उन फिल्मों ने मुझे चूज़ किया है। एंड आई एम हैप्पी कि ऐसी जर्नी रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 10 फिल्में में से एक किया, यार ये फिल्म मेरे लिए सही है, तो वैसा कभी हुआ नहीं। मैंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। हाँ जी, विकी ने अभी तक 3 ऑडिशन दिए तो तीनों क्रैक किए। कॉन्ग्रेचुलेशन चावड़ा जी, यू जस्ट वन एन अवार्ड डे बिफोर यस्टरडे। व्हाट, टैसल अवार्ड मिला सर आपको? हाँ सर मिला। ये क्या है टैसल अवार्ड? ओके, फाइनली अनुराग, द क्वेश्चन इज टू यू। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट बॉम्बे वेलवेट डिड नॉट डू वेल, बट व्हाट आर द, यू वर टॉकिंग अबाउट सम स्टैंड्स राइट नाउ, वर देयर अदर सिचुएशंस इन दिस मूवी दैट यू नो यू हैड टू टेक स्टैंड्स फॉर? No, it's not that. It's like what happens is you're making a film and you start out making a film and there's a film that you're going to make. And midway the process kind of changes. You know, you forget why you started in the first place, why you wanted to make the film. So wo jo process hai. And sometimes we get into, a lot of times we need to put our foot down and say, no, this is not, this doesn't go with the film. And we give in to a lot of pressures. We go on a back foot. So I think my biggest constraint was, jab kya hota hai ki ek film ka budget bahut bada ho jata hai. और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आप आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बैकफुट पे आ जाते हो। तो वो जो बैकफुट पे आना होता है वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो आप मतलब कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वो कोहली को सामने जाके खेलना पड़ता है, तो जब पीछे जाते हो ना धीरे धीरे हिट विकेट हो जाते हो, तो वैसा हो गया था कुछ। मेरा सवाल है सोहेल नवाजुद्दीन, पिछले दिनों 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस दौरान आप नहीं थे, लेकिन मिस्टर अमिताभ बच्चन ने आपकी बहुत तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। क्या कहोगे इसके बारे में एक्चुअली, व्हेन इट कम्स फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ट्रेलर पर इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था पुणे में और क्लाइमेक्स शूट चल रहा था, तो आना तो चाह रहा था बट किसी वजह से नहीं आ पाया। और बच्चन साहब ने तारीफ़ की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने खुद उनसे काफ़ी कुछ सीखा है शूटिंग के दौरान और बाहर अंदर सब। मेरा सवाल है नवाजुद्दीन से, नवाजुद्दीन से सवाल है मेरा, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन, इस करेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कह रहे हैं? इस करेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? चैलेंज यही था कि ठीक तरह से हो जाए कैरेक्टर, मतलब, और ये था क्योंकि बहुत ही, चूँकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कुछ इसकी अपनी अलग फिलॉसफी है, अलग थॉट है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं वो गलत है, वो उसके लिए सही है ना। तो ऐसे ब्रेन में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो तभी जस्टिस कर सकते हैं आप जब आप उसकी थ्योरी को बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत। नवाज, मैं संजय मिश्रा BBC से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप कमर्शियल फिल्म के लीड हीरो बन गए हैं, हो गए हैं, तो अब अपने स्ट्रगल के दौर को अगर किन्हीं शब्दों में बांधना हो तो कैसे देखते हैं, और क्या अब उन फिल्मों के लिए सोचना पड़ता है साइन करने से पहले जिनमें कम पैसा मिलता है, दोस्तों की हैं या उनका कहानियाँ उनकी अच्छी हैं, क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं कमर्शियल फिल्मों में, क्या कहेंगे? थोड़ा शॉर्ट में बता दो, अब आप मतलब अमिताभ बच्चन के साथ, सलमान खान के साथ, रमन राघव मांझी करते हैं लीड, शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रगल के दौर को, जो आपका स्ट्रगल टाइम था, उनको किन शब्दों में सोचते हैं, अगर सोचना है कहना है उसके बारे में तो किन शब्दों में कहेंगे? और दूसरी बात है कि क्या उन फिल्मों के लिए जो जिनकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं या जिनमें कम पैसे मिलते हैं, दोस्तों की फिल्में होती हैं, उनको करने से पहले आप सोचना पड़ता है कि टाइम नहीं है? हाँ, ये तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब किस तरह की क्या क्या जवाब दूँ, मेरी सच्ची बिल्कुल समझ में नहीं आया।
मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है बट मेरी एक्चुअली थोड़ा सा समझ में नहीं आया. अनुराग हाँ मतलब जो सही होगा वही चुनेंगे अपने उस वक्त के हिसाब से. नहीं थोड़ा हीरोइन मिले तो अच्छा है ना. अनुराग स्मिता है. अनुराग एक तरफ आप रमन राघव बना रहे हैं दूसरी तरफ रामू जी वीरप्पन बना रहे हैं तो क्रिमिनल्स पे फिल्म में मतलब एक तरफ मैरी कॉम बन रही है तो इस फिल्म के पीछे क्या सोच अप्रोच थी? क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे? नहीं ऐसा कुछ भी. मैं तो वो हम लोग हमारे यहाँ ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं. हमारी तो कंट्री ऐसी यहाँ पर हर चीज़ रोज़ ग्लोरीफाई होती है जो नहीं होनी चाहिए. आई थिंक ये फिल्म जो है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है और ये फिल्म जो है मतलब ये फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी. एंड वो आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक फिक्शनलाइज एक थ्रिलर की तरह एक फिल्म ये थ्रिलर की तरह है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अक्सर घटती हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं और वो कैसे उसको एक कहानी की तरह पिरोया गया है. जॉनर फिल्म है और जॉनर फिल्म अक्सर जो है चाहे वो हॉरर हो चाहे थ्रिलर हो चाहे सस्पेंस हो चाहे चेस ड्रामा हो वो अक्सर जो एक कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिक्स लेके घूमती हैं सोसाइटी का और जिनको और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता तो इस फिल्म में भी वैसा ही है कुछ. हाय अनुराग आप इतनी डार्क फिल्में बनाते हैं डार्क टोन फिल्में कभी आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज महसूस हुआ? मेरी थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म बनाते हैं वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं. आप कभी उनसे मिल के देखिएगा और जो आदमी जो अपनी सारी डार्कनेस स्क्रीन पर निकाल देता है अंदर बहुत हल्का होता है. हाय अनुराग ओवर हियर. यू नो टुवर्ड्स योर लेफ्ट ओवर हियर. When you make a film on a real life, based on a real life character, does it get difficult? I still can't see you. Huh? Yeah, tell me. When you make a film based on a real life character, does it get difficult or things get easy? No, it's always very difficult. But this is not really based on a real life character. This is actually inspired from him. And because that character was in the 60s, this film is based now, in today's time. And it's not... It's difficult because you're starting to say something. You're treading a very dangerous line, and you have your own sense of responsibility. So, आप ऐसी कहानी कह रहे हो, तो आपको इस तरह से कहना है कि इसके सारे एक तो पहलू जो है कहीं ना कहीं आपस में समझ में आ जाएं, बंध जाएं. At the same time, picture जो है ऐसी कहानी आपको बांध के रखे, और जो character development होता है, जो actor के साथ आप मिलके करते हैं और पूरी team मिलके करती है, उसमें एक-एक चीज़ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. अगर ये बायोपिक होती तो और 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होती. एंड श्रीराम राघवन हैज आल्सो मेड अ फिल्म ऑन रमन राघव. श्रीराम राघवन मेड अ फिल्म डॉक्यूमेंट्री. हां नो इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री इट्स अ फिक्शनल 1 आवर फिल्म एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई वर्कड ऑन व्हेन आई केम टू बॉम्बे. सो दैट्स हाउ आई नो द स्टोरी एंड दैट्स हाउ सिंस आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद द स्टोरी सिंस देन. सो आई केम व्हेन द फिल्म वाज फिनिश्ड शूटिंग एंड इट वाज डूइंग पोस्ट प्रोडक्शन इज व्हेन आई हैड जॉइंड देम. Anurag, are we going to take the last few questions now? No, you're this gentleman right here. Hi. How are you? My question actually was coming to that only because you started somewhere with Raman Raghav. You actually then did Otto Narayan. You actually deal with a lot with murders and. Oh, well, in the sense, there was a time we were doing a whole lot of stories on the serial killers of India. There's a lot of research we had done, and I think 3 film ke baad wo project band ho gaya tha. Usme se ek maine likha tha aur 2 pe maine kaam kiya tha. तो मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था. वो घूम के फिर के 23 साल में वापस वो एक जर्नी पूरी हुई है सर्कल पूरा हुआ है. ओवर द लास्ट 23-20 इयर्स योर अंडरस्टैंडिंग और द वे यू लुक एट लेट्स से सीरियल किलर्स और साइकोलॉजिकली डिफंक्ट व्हाट आर पीपल हु किल पीपल हाउ डू एक्चुअली सी योर पर्सपेक्टिव चेंज ऑन सच कैरेक्टर्स? इट चेंजेस ऑल द टाइम इन द सेंस देयर इज अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. So, for me, this film is actually a character study of 2 people. And while it is like a cat and mouse chase, और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में मतलब ये एक फिल्म है जो इसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है कि एक बार आप लोग देखें उसके बाद. हाँ तो उसके देखने से पहले बोलना कुछ भी बोलना इस फिल्म के बारे में रिवील करना है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मूवी दैट देखने के बाद बहुत सारी बातें हो सकती हैं और घंटों घंटों हो सकती है. बट हाँ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है और मेरा ऑब्सेशन तो शुरू से रहा ही है. और जब आप बहुत इंप्रेशनेबल होते हो और बहुत यंग होते हो और आप किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली देखते हो ऐसी एज में मैंने जब वो हिंदी में एक आता था रशिया से ट्रांसलेटेड क्राइम एंड पनिशमेंट तो हिंदी में पढ़ा था मैंने दस्तोस्की का
हमारे फैजाबाद में ऐसा ट्रांसलेटेड आता था, सारा रशियन लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट हो गया आता था। तो आई थिंक जो जब से दोस्तोवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा था और वो सारा दोस्तोवस्की पढ़ा था, तब से अंदर घुसा हुआ है। और फिर आप एक सिरे में चलते चले जाते हो और जितना भी आप पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, इतना टाइम मैंने स्पेंड किया वो प्रोजेक्ट में शिवम और श्रीराम नायर, श्रीराम राघवन और शिवम नायर के साथ, इतनी पुलिस फाइल्स पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा है, वो जो पुलिस ऑफिसर था कुलकर्णी, उनके सबके मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स में चीज़ें पढ़ी थी। तो वो सब चीज़ें इधर आपको समझ में आता है और आप समझते हो कि मतलब इट हैपन्स इन द फ्रॉम द लीस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रंट। आप कोई भी क्राइम के बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि एक ऐसा नॉर्मल साधारण आदमी कैसे एक मोमेंट में कुछ कर बैठता है और क्यों करता है, और फिर उसको ढूंढने में एक कहानी बनती जाती है। हम लोग को मेरा क्यूरियोसिटी हमेशा से वही रहा है। अनुराग टुवर्ड्स सेंटर, द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। यहाँ पर आपकी जो लास्ट फिल्म थी बॉम्बे अलर्ट, जैसे आप ही बता रहे थे लोगों ने काफ़ी कुछ कहा फिल्म के रिलीज़ के बाद, बट ये ट्रेलर देखकर हम कह सकते हैं अनुराग कश्यप का एक जो लॉस्ट ग्लोरी और जो ऑरा था वो इस फिल्म से रिटर्न होगा। यार मैं तो वही हूँ और मैं ना तो कहीं गया, जब आदमी कोई बोलता है ही इज़ बैक, मुझे लगता है क्या मैं यारी रोड से वर्सोवा आया हूँ कि कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं उसी घर में रहता हूँ, उसी ऑफिस से काम करता हूँ, सो मैं तो वही रहूँगा। वो लोगों की नज़र में वो और आता और जाता है, तो सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं, आप बताइए। आप जी आप तो सेम है, और जैसे आपने कहा था बॉम्बे वेलवेट में ओवर बजट हो गया था, एंड ओवर बजट नहीं हो गया था, बहुत बड़ा बजट था, ओवर बजट तो कभी नहीं होता, बट कह सकते हैं रमन राघव इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म, तो आप यू विल स्टिक टू, आई वोंट से इट्स, आई सब पिक्चर आप फिल्म देखिए, फिल्म जितनी आपको बड़ी दिखती है जितनी है उतनी है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग फिल्म इस तरह से नहीं बनाते हैं कि फिल्म आपको लगे कि अरे इस फिल्म में पैसे ही नहीं थे हमारे पास खर्च करने को, या इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए खर्च करने को। तो आई थिंक वो फिल्म एक फिल्म होती है और फिल्म का एक अपना इकोनॉमिक्स होता है और फिल्म अपने हिसाब से बनती है, इंटेंशन ही होता है कि फिल्म सही बनाई जाए। नवाज हाय दिस साइड भावना फ्रॉम जी न्यूज। नवाज मैं जानना चाहती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम पे एक बायोग्राफी बन रही है और ऐसी खबरें आ रही है कि आप वो रोल करने वाले हैं। नहीं मेरे अभी तो मुझे तो नहीं मालूम है, बट अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आएगा तो मेरे पास। और इसके अलावा आपने मांझी फिल्म की थी, वैसे ही एक करेक्टर, एक और रियल लाइफ स्टोरी आई है, एक महाराष्ट्र के गांव में एक दलित इंसान ने 40 दिन में पानी खोद के निकाला है अपनी पत्नी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए और क्या उन पर भी कोई पार्ट टू बना सकते हैं आप लोग? केतन सर ने बनाई थी एक्चुअली ये फिल्म माझी द माउंटेन मैन, अगर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत आइडिया, तो इस पर भी बनना चाहिए कुछ, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच अनुराग। ऑल राइट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाय अनुराग, अनुराग या माइक, हां सर, राइट इन द बैक, राइट इन द बैक, या अनुराग यहां। अमूमन आपकी हर फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है पास होने के लिए, तो इस फिल्म को क्या कुछ कट्स मिले हैं या किसी तरह का स्ट्रगल हुआ है या उस वजह से डिले हुई है फिल्म, कुछ बताएंगे? अभी तो देखेंगे क्या होता है। नो रिपोर्ट सजेस्टेड दैट यू गॉट 6 कट्स, इज इट ट्रू? हेलो, देयर वर रिपोर्ट्स हियर, हियर, राइट इन बैक, अच्छा राइट देयर, देयर, शी इज राइट देयर। हां जी, हां, सो रिपोर्ट सजेस्टेड यू गॉट 6 कट्स, सो आर यू सैटिस्फाइड विद इट? और आई थिंक दिस फिल्म सेंसर बोर्ड एक्चुअली इन अ वे हैज बीन द kindest to this film because they actually liked it and whatever, but for me in this film there are many things that I want them to stay intact, so for me I would not be satisfied with a single cut, and to avoid any kind of a cuts, whatever it will take we'll do. Vikramaditya, what was the intrigue point that you agreed to produce this film with Anurag? I mean, I know y'all are together, but still he put a gun to our head. Or the, he put one of those things to her. Could you elaborate a little bit? We love the script. We love Anurag. We love the script. We love Nawaz. You can't say no. It's like I'm saying, it's like holding a gun to your head because it's like, it's a great script. Aap na bolenge koi aur karega. Toh usse achha hum log hi karte hain. अनुराग इतनी सारी सुपरहीरो की फिल्म्स जो हैं वो इंडिया में चल रही हैं, आप पहले था कि डोगा आप बनाने वाले हैं, तो कब आप डोगा, नागराज, भेड़िया, सुपर कमांडो ध्रुव ऐसा कुछ बनाएंगे भारत के लिए? अभी मैं एक एक करके जा रहा हूँ और मैं एक एक करके देखूंगा, वो हर फिल्म डिसाइड करेगी नेक्स्ट फिल्म में क्या बनाऊँ,
नवाज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा था कि मूवी के दौरान आप मतलब ऐसा असर आ गया था कि बेहोशी में भी आप एक सीन रिक्रिएट कर रहे थे, तो जब ये फिल्म खत्म हुई तो उसके बाद आपने इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए कितना वक्त लगा आपको, और कुछ ऐसा कुछ कोई और ऐसा कोई किस्सा हुआ था आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज? एक्चुअली मैं मूवी ख़त्म होने के बाद चला गया था अपने 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 गांव चला गया था, तो वहां पे रहा, जैसे अक्सर जाता हूं मैं, तो वहां रहा 10-12 दिन तक, तो जब लगा कि हाँ ठीक ठाक है अभी सब मामला अब चलो फिर वापस बम्बई. All right, that about wraps it up. That wraps it up for the questions. Thank you very much, everyone. Members of the media, press, everybody, thank you so much. यहाँ पे आपको जाने से पहले एक एक प्रेस किट दी जा रही है जिसमें there are these sunglasses, Raman Raghav sunglasses, और एक ऐसा गन है which we don't have to put your head, pen drive है. फोटोज खींच लीजिए सब, बिल्कुल खींच लीजिए. और जाने से पहले यहाँ पे सब अनुराग कश्यप सबके सर पे हाथ रखेंगे, सब कांस जाएंगे जिंदगी में एक ना एक बार.